हेलो एवरीवन, हम बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड कर रहे हैं टीचिंग एंड लर्निंग, जिसका प्रीवियस लेक्चर तक हमने टॉपिक देखा कि कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, और कंपोनेंट के साथ साथ उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कंपोनेंट्स में, जिसमें हमने देखा कि मेजरली किसी भी कम्युनिकेशन प्रक्रिया के, संप्रेषण प्रक्रिया के 7 कंपोनेंट्स होते हैं, सेंडर है, रिसीवर है, मैसेज है, मीडियम है, बैरियर्स हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, और उसके साथ साथ हमने इसमें क्या देखा कि फीडबैक जो है जिनको हमने डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो क्या है हमारे पास, दैट इज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण करने के प्रकार जो है वो किस तरह के हैं। देखिए, जो हमने करैक्टरिस्टिक्स करी थी, तो करैक्टरिस्टिक्स में हमने क्या कहा था कि कम्युनिकेशन जो है वो फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन करने के जो टाइप्स जो है वो किस किस तरह के हैं। तो टाइप्स के अंदर कम्युनिकेशन प्रोसेस की जो टाइप है उनको 3 मेजर पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, सेकंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, और थर्ड आता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो। संबंध के आधार पर कम्युनिकेशन प्रोसेस को कितने भागों में जो है वो बांटा जाता है। तो संबंध के आधार पर जो हम कम्युनिकेशन प्रोसेस को बांटते हैं वो मेजरली इसके अंदर ही उसे 2 कैटेगरीज के अंदर जो है वो बांटा जाता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल। इसके अंदर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सेकंड जो टाइप आती है वो आती है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। माध्यम के आधार पर किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को कितने भागों में जो है वो बांटा जाता है। तो माध्यम के आधार पर हम कम्युनिकेशन प्रोसेस को फिर दोबारा से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड आता है नॉन वर्बल। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो। डायरेक्शन ऑफ फ्लो के आधार पर जो कम्युनिकेशन है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड क्रॉसवाइज। फर्स्ट है हमारे पास डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। These are the major
थ्री टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट क्या है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, संबंध के आधार पर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, माध्यम के आधार पर। और थर्ड क्या है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, यानी कि दिशा के प्रवाह के आधार पर। सबसे पहले जो हम कर रहे हैं वो क्या है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, संबंध के आधार पर। संबंध के आधार पर हमने कम्युनिकेशन को क्या किया, दो पार्ट में जो है वो बांटा। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल को क्या माना जाता है, औपचारिक संप्रेषण भी कहा जाता है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जिसे हम अनौपचारिक संप्रेषण भी जो है वो कहते हैं। सबसे पहले आता है इसके अंदर फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, वह कम्युनिकेशन जहाँ क्या होती है कुछ ना कुछ सीमाएं होती हैं, या मैं ये कहूँ कि जिसके अंदर कुछ ना कुछ क्या है आपकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस जहां कुछ ना कुछ क्या होंगे, सीमाएं होंगी, या मैं ये कहूं कि जहां पर कम्युनिकेशन हो रहा है, जो इंस्टीट्यूट्स के अंदर हो रहा है, कॉलेज के अंदर हो रहा है, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रहा है, कॉलेज लेवल का जो कम्युनिकेशन है, स्कूल लेवल का जो कम्युनिकेशन है, यूनिवर्सिटी के ऊपर जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जहां पर संबंध जो है वो क्या होते हैं, दो पर्सन के बीच में क्या होते हैं, फॉर्मल संबंध होते हैं, जहाँ कुछ ना कुछ क्या है नियम आधारित होते हैं, या जहाँ भी संदेश दिया जा रहा है उसके कुछ रूल रेगुलेशंस फॉलो करके जो है वो दिया जाता है, उस चीज को क्या माना जाता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो कहा जाता है। एनी कम्युनिकेशन हैविंग सम लिमिटेशंस इज कंसिडर्ड एज द फॉर्मल कम्युनिकेशन, उसे हम औपचारिक संप्रेषण जो है वो कहते हैं। स्कूल लेवल के ऊपर, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी में जहाँ टीचिंग हो रही है तो टीचर के बीच में और सेंटर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उस कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है जिसके अंदर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब नो लिमिटेशंस, जहां पर कोई भी जो है वो रूल रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाते, या फिर जहां पर कोई भी सीमाएं जो है वो नहीं होती, कोई भी हम कहें कि किसी भी तरह की औपचारिकता को जो है वो फॉलो नहीं किया जाता, पालन नहीं होता। वह संप्रेषण जो हम क्या करते हैं अपने रिलेशंस के अंदर, हम कहें कि पेरेंट्स के साथ जो सब कम्युनिकेशन किया जा रहा है, फैमिली के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस तरह का कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। पीयर ग्रुप के साथ जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस तरह का कम्युनिकेशन है, वो भी क्या है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आता है, जिसमें हम कहें कि फ्रेंड्स के साथ जो हो रहा है, पीयर ग्रुप के साथ है। पीयर ग्रुप के साथ साथ मैं कहूँ कि सोसाइटी के अंदर जो हमारे सोशल रिलेशन है उसके अंदर जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उस कम्युनिकेशन के अंदर हम क्या देखते हैं, उसे अनौपचारिक संप्रेषण प्रक्रिया कहा जाता है। क्योंकि वहां पर किसी तरह के हम कहें कि नियम को जो है वो फॉलो नहीं किया जाता, वहां किसी तरह की समय की पाबंदी नहीं होती, वहां किसी तरह की कंसेप्ट या कंटेंट या किस विषय के ऊपर बातचीत करी जाएगी उसकी कोई भी पाबंदी जो है वो नहीं होती, और उसके साथ साथ हम किस लैंग्वेज में जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं उस तरह की भी कोई पाबंदी जो है वो नहीं होती। नो लिमिटेशंस, जहां कोई भी रूल फॉलो नहीं होता, किसी तरह की हम कहें कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया जाता, तो उस कम्युनिकेशन को हम किस में लेके चलते हैं, इनफॉर्मल। ऐसा कम्युनिकेशन कहाँ होता है, फैमिली के बीच में, फ्रेंड्स जो है उनके बीच में, या हमारा जो एक सामाजिक संबंध है, जो हमारा रिलेशन है दूसरों के साथ, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कम्युनिकेशन कैसा कम्युनिकेशन आता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो आता है। अब आता है नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, माध्यम के आधार पर। तो माध्यम के आधार पर हमने क्या किया, मेजरली इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन नाम से क्लियर हो रहा है, मौखिक संप्रेषण प्रक्रिया, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अमौखिक या अशाब्दिक जो है वो संप्रेषण। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, जिस कम्युनिकेशन के अंदर में क्या है, देयर इज यूज ऑफ एन लैंग्वेज, जहां किसी ना किसी भाषा को उपयोग किया जा रहा है, तो उस कम्युनिकेशन को क्या माना जाता है, वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो माना जाता है। जो वर्बल कम्युनिकेशन है, जो वर्बल कम्युनिकेशन को अगर हम देखते हैं, तो वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो ओरल भी हो सकता है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, रिटन भी हो सकता है। यानी कि हम अपने विचारों को जब संप्रेषित कर रहे हैं, संप्रेषण करने के लिए यदि हम किसी भाषा का यूज कर रहे हैं, और भाषा के साथ साथ जब हम उस चीज को बोल कर जो है वो दूसरे तक संप्रेषित कर रहे हैं, या दिख कर जो है वो किसी दूसरे तक संप्रेषित कर रहे हैं, तो इस कम्युनिकेशन को क्या माना जाता है, इसे वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। शाब्दिक, या हम कहें कि
शाब्दिक कम्युनिकेशन लिया जाता है, जहां किसी शब्दों का यूज किया जा रहा है, किसी भाषा का जो है वो उपयोग हो रहा है, तो उस कम्युनिकेशन को हम क्या लेके चलते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, देयर इज नो यूज ऑफ एनी लैंग्वेज, जहां किसी भी तरह की भाषा का उपयोग जो है वो नहीं होता। भाषा का उपयोग ना होके जहां पर हम कहेंगे किस तरह की भाषा का यूज हो रहा है, साइन लैंग्वेज का यूज होता है, सांकेतिक भाषा का उपयोग करके जो है वो किया जा रहा है, या मैं ये कहूँ जहां पर गेस्टर्स यूज होते हैं, गेस्टर्स के साथ साथ हम कहेंगे फिजिकल मूवमेंट्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है वो कम्युनिकेशन किस तरह का कम्युनिकेशन है, उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जो है हम लेके चलते हैं। देयर इज नो यूज ऑफ एनी लैंग्वेज, भाषा का उपयोग ना करके केवल किस चीज का उपयोग किया जा रहा है, साइन लैंग्वेज, संकेतिक भाषा का उपयोग हो रहा है, जहां एक पर्टिकुलर पर्सन क्या है अपने भावों को यूज कर रहा है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को जो है वो यूज कर रहा है, तो वो कम्युनिकेशन किस तरह का कम्युनिकेशन आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है। जिसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि हम देखें कि जो लोग क्या होते हैं, डेफ होते हैं, डम होते हैं, यानी कि जिन्हें विजुअल प्रॉब्लम है, हियरिंग प्रॉब्लम है, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, वो भी तो आपस में अपने विचारों का संप्रेषण करते हैं, तो वो वहां पर अपने विचारों को संप्रेषण करने के लिए किस चीज को यूज करते हैं, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। उनकी लैंग्वेज क्या होती है, साइन लैंग्वेज होती है, जिसका आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा कि नेशनल या हम ये कहें कि डीडी न्यूज चैनल के ऊपर जो न्यूज दी जाती है, तो एक टाइम ऐसा आता है हर रोज जो है जिसके अंदर क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सन बोलकर जो है वो कोई भी न्यूज जो है वो दूसरे तक पहुंचा रहा है, और साइड बाय साइड उसी के अंदर जो है छोटे से आप देखोगे टीवी के अंदर साथ में जो है साइड की पिक्चर के अंदर क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सन लैंग्वेज के थ्रू या साइन के थ्रू जो है उस चीज को समझा रहा है, तो वो कम्युनिकेशन किस तरह का कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। क्लास में आप देखिए, या हम कहें कि क्लास के अंदर जस्ट क्लास जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है, इनडिसिप्लिन क्रिएट किया हुआ है, जस्ट टीचर जो है वो क्लास में आता है और आकर जो है वो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन फिर भी जो है वो क्लास दो मिनट के अंदर सारी की सारी क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, और इनडिसिप्लिन डिसिप्लिन के अंदर क्रिएट होता है। वहां उसने कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है या किसी भी चीज की तरह की सूचना जो है वो बोल कर नहीं दी, उसने सिर्फ अपनी हम कहें कि आई कॉन्टेक्ट के थ्रू या अपने जो फेशियल एक्सप्रेशन है हाव भाव के थ्रू जो है वो दूसरे को क्या है कम्युनिकेट किया, दूसरे को समझाया। हम बहुत बार देखते हैं कि कम्युनिकेशन जो है क्या होता है, साइन लैंग्वेज जो हम कहें कि जो वॉर वगैरह होती हैं या मिलिट्रीज के अंदर जो लोग होते हैं उनका जो हम कहेंगे कोडिंग सिस्टम होता है, वो किसी लैंग्वेज को यूज नहीं करते, लेकिन कोड के बिहाफ पर जो है वो 1-2-3 करके दूसरे को जो है वो समझा देते हैं, तो उस कम्युनिकेशन को हम क्या लेके चलते हैं, उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो कहा जाता है, जहां केवल व्यक्ति जो है वो अपने फिजिकल मूवमेंट्स को, फिजिकल मूवमेंट के साथ साथ शारीरिक जो हम गतिविधि की बात करें, अपने हाव भाव को, हाव भाव के साथ साथ जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उनको यूज करके जब संप्रेषण कर रहा है, तो उस संप्रेषण को क्या कहा जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द बिहेवियर दैट कन्वे मीनिंग विदाउट एनी वर्ड्स, जहां किसी भी चीज का मीनिंग जो है वो दूसरे तक कन्वे किया जाता है, लेकिन वहां किसी भी लैंग्वेज को जो है वो यूज नहीं किया जाता, भाषा को जो है उपयोग नहीं किया जाता, उस कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसे हम अशाब्दिक कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी कि जहां दिशा की प्रभाव के भाव पर, दिशा के प्रभाव के भाव पर हम फर्स्ट क्या ले रहे हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को क्या माना जाता है, अधोमुखी कम्युनिकेशन कहा जाता है। अधोमुखी कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, जहां पर जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो दो लेवल के बीच में हो रहा है, एक हम कहें कि हायर लेवल है और एक क्या है हमारा लोअर लेवल है। तो जब कम्युनिकेशन जो है वो हो रहा है, जो हायर लेवल पे जो पर्सन है वो क्या है अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरे या लोअर लेवल के कम्युनिकेशन या दूसरे लोअर लेवल के व्यक्ति को जो है वो समझा रहा है, उसे क्या है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है, डाउनवर्ड अधोमुखी, जिसके अंदर क्या हुआ कि हायर लेवल से कम्युनिकेशन कहां किया जा रहा है, हायर लेवल टू क्या किया जा रहा है, लोअर लेवल किया जा रहा है। जैसे हम कहें कि किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर या कोई भी कहीं भी कंपनी के अंदर जो है जो चेयरपर्सन है, डायरेक्टर है या बॉस है, वो जब किसी भी इंफॉर्मेशन को दे रहे हैं वो देंगे किसको, जो उनके अंडर जो है वो वर्क कर रहे हैं, जो उनके क्या होंगे वर्कर्स होंगे, या हम कहें कि जो उस
वहां पर जो है वो मेंबर्स होंगे। तो यहाँ जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कैसा कम्युनिकेशन हो रहा है, हायर से लोअर लेवल के बीच में हो रहा है। किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूट के अंदर आप देखिए, जहां पर किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूट का जो डायरेक्टर है, चेयरपर्सन है, जो वो अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी थॉट्स जो है वो किस तक जो है सूचना जो है वो किसको दे रहा है, जो उसके अंडर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो टीचर्स जो है वो काम कर रहे हैं, तो उस कम्युनिकेशन को क्या माना जाता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है, अधोमुखी। जब संप्रेषण जो है वो उच्च स्तर के व्यक्ति से निम्न स्तर के व्यक्ति के बीच में हो रहा है, उस कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन या डायरेक्शन प्रवाह हो रहा है। डायरेक्शन प्रवाह कैसा हो गया कि हायर लेवल का जो पर्सन है वो सेंडर है और लोअर लेवल का जो पर्सन है वो क्या है, यहाँ पर रिसीवर है। इंफॉर्मेशन जो है वो हायर लेवल के पर्सन के द्वारा दी जा रही है और लोअर लेवल के पर्सन के द्वारा वो इंफॉर्मेशन जो है वो क्या करी जा रही है, ग्रहण जो है वो करी जा रही है। तो इस तरह के कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है वो कहते हैं। कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर या किसी भी कंपनी के अंदर जो चेयरपर्सन हैं, डायरेक्टर्स हैं या हम कहें जो हायर अथॉरिटीज है, वो जब किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने से नीचे जो उनके साथ काम कर रहे हैं या वर्कर्स जो है उस कम्युनिकेशन उनके बिहाफ पे जिनका लेवल जो है वो क्या है, उनसे थोड़ा लो है, तो वहां जो संप्रेषण हो रहा है उस संप्रेषण को क्या कहा जाता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है, जिसे हिंदी में हम अधोमुखी संप्रेषण जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट आता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन जिसे अग्रमुखी बोला जाता है, अग्रमुखी इसका क्या हो गया, उल्टा हो गया। जहां कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, लोअर लेवल से हायर, आप लोअर लेवल से हायर लेवल भी ले सकते हैं, नहीं तो अगर हम इसको अपर डायरेक्शन के अंदर करें तो यहां पर कम्युनिकेशन के अंदर हम कहें कि हायर लेवल डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हमारी अपवर्ड हो जाएगी। मींस यहां पर जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो संप्रेषण है, संप्रेषण करता है जो सेंडर है वो कौन है, निम्न स्तर का व्यक्ति है, और जो इंफॉर्मेशन ग्रहण कर रहा है वो कौन है, वो उच्च स्तर का व्यक्ति है। जिस कम्युनिकेशन के अंदर सेंडर या इंफॉर्मेशन देने वाला कौन है, निम्न स्तर का व्यक्ति है, और इंफॉर्मेशन ग्रहण करने वाला कौन है, जो कि हम कहें कि उच्च स्तर का व्यक्ति है, उस कम्युनिकेशन को क्या माना जाता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है, या मैं ये कहूँ जिसे अग्रमुखी कम्युनिकेशन जो है हम कहते हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हो किसी भी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, जब जो है एक हायर लेवल के ऊपर डायरेक्टर या पर्सन बैठे हैं और उनको जो है जो लोअर लेवल के जो टीचर्स हैं या उनके जो हम कहें कि प्रोफेसर्स हैं वो किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ इंफॉर्मेशन किसके द्वारा दी जा रही है, थोड़े से हम कहें कि लोअर अथॉरिटी के थ्रू दी जा रही है, और इंफॉर्मेशन किसको दी जा रही है, हायर अथॉरिटी को जो है वो दी जा रही है। जिस तरह से हम कहें कि किसी भी कंपनी के अंदर कोई प्रोजेक्ट्स है जो कि प्लान किया जा रहा है, उस प्लान के ऊपर कोई वर्कर जो है वो काम कर रहा है, या उसका जो हम कहें कि कोई मेन हेड जो है वो काम कर रहा है, तो मेन हेड जो है वो क्या है, अपनी इंफॉर्मेशन किसको दे रहा है, जो प्रोजेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन या उस प्रोजेक्ट के बारे में समझा रहा है, उस प्लानिंग के बारे में जो है वो समझा रहा है, तो वो कौन हो गया, वो लोअर लेवल का पर्सन हो गया, और इंफॉर्मेशन दी या उस चीज के बारे में किसे समझाया जा रहा है, जो डायरेक्टर है या चेयरपर्सन है या हम कहें कि बॉस है उस कंपनी का, उसको उस चीज के बारे में जो है वो बताया जा रहा है। तो यहाँ पर इस कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है, जहां सेंडर कौन होता है, लोअर लेवल का व्यक्ति होता है, और रिसीवर कौन होता है, हमारा हायर लेवल का व्यक्ति है। ये कौन हो गया, सेंडर हो गया, और ये कौन हो गया, रिसीवर हो गया। यहाँ पर क्या था, जो हायर लेवल का व्यक्ति है वो क्या था, सेंडर था, और लोअर लेवल का व्यक्ति क्या था, हमारा रिसीवर था। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन के अंदर हम कहें कि जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है या डायगोनल, ठीक है, जिसमें हम कहें कि हायर लेवल से कम्युनिकेशन जो है वो हायर के बीच में हो रहा है और लोअर लेवल के बीच में जो है वो क्या हो रहा है, लोअर के बीच में हो रहा है। तो उस कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन कहा जाता है। जो हम कहें कि समान पद के ऊपर जो आसीन व्यक्ति होते हैं, जब वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उस कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है, क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन कहा जाता है। एक कॉलेज या एक इंस्टीट्यूट के अंदर जो टीचर्स हैं वो आपस में किसी भी इंफॉर्मेशन को जो है वो शेयर कर रहे हैं, एक अध्यापक अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी सूचना या अपने एक्सपीरियंस जब दूसरे अध्यापक को शेयर कर रहा है, तो यहाँ लेवल क्या हो गया, समान हो गया।
बराबर हो गया, दोनों ही क्या है एक समान पद के ऊपर जो है आसीन है, तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उस कम्युनिकेशन को क्या है क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन कहा जाता है। हायर लेवल के ऊपर हम बात करें कि जो हायर लेवल के ऊपर है एक इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर्स हैं चेयरपर्सन है वो और दूसरे इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर और चेयरपर्सन जब वो आपस में क्या कर रहे हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी भी सूचना को शेयर कर रहे हैं दूसरे के साथ संप्रेषित कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को जो है वो शेयर किया जा रहा है बताया जा रहा है तो उस कम्युनिकेशन को हम क्या लेके चलते हैं क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन किया जा रहा है। यहाँ पर क्या हो गया कि हायर और हायर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं और लोअर लेवल के उच्च स्तर के व्यक्ति जो है वो उच्च स्तर के व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं और निम्न स्तर के व्यक्ति निम्न स्तर के व्यक्ति के साथ क्या है कम्युनिकेशन जो है वो कर रहे हैं। या मैं कहूं कि जब कम्युनिकेशन जो है वो समान जो पद है सेम लेवल के जो पर्सन है उनके बीच में जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग और केयरिंग हो रही है उस कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन जो है वो कहा जाता है। तो हमने क्या देखा कि जो कम्युनिकेशन है उसको कितनी टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, मेजरली तीन टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन संबंध के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम साधन के आधार पर, और ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो की दिशा और बाकी आधार पर। जब हम रिलेशन के बिहाव पर कह रहे हैं तो हम किस में बात कर रहे हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल दो पार्ट हो गए, फॉर्मल औपचारिक, इनफॉर्मल क्या हो गया अनौपचारिक, फॉर्मल जिसके अंदर किसी भी तरह की सीमाओं या रूल रेगुलेशंस को फॉलो करके कम्युनिकेशन किया जाता है, कॉलेज लेवल का, यूनिवर्सिटी लेवल का, स्कूल लेवल का जो कम्युनिकेशन है, टीचर और लर्नर के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो कैसा है फॉर्मल कम्युनिकेशन है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जहां किसी भी तरह की सीमाएं नहीं है, नो लिमिटेशंस, किसी तरह के रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है फैमिली के बीच में या आपसी जो फ्रेंड्स हैं उनके बीच में, उसके साथ साथ जो हमारा सामाजिक संबंध है, सोशल रिलेशन है, सोसाइटी के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उस कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो कहा जाता है। फिर हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम माध्यम के आधार पर हम कम्युनिकेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल कौन सा हो गया शाब्दिक और नॉन वर्बल कौन सा हो गया अशाब्दिक, जहां किसी ना किसी भाषा को यूज किया जा रहा है, बोलकर मौखिक जो है किसी के साथ संप्रेषण किया जा रहा है, रिटन जब लिखकर हम दूसरे को किसी चीज के बारे में बता रहे हैं तो उस कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नो यूज ऑफ एनी लैंग्वेज, जहां किसी भी तरह की भाषा का यूज नहीं होता, केवल किसको यूज हो रहा है सांकेतिक लैंग्वेज साइन लैंग्वेज के थ्रू, जहां पर्टिकुलर पर्सन अपने हाव भाव के थ्रू, फिजिकल मूवमेंट्स के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू जो है वो दूसरे को बता रहा है या इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहा है, तो उस कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो कहा जाता है। इसके आधार पे था ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम वर्बल और नॉन वर्बल। सेकंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड जो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो दिशा प्रवाह के आधार पर कम्युनिकेशन। उसके अंदर हम फिर कम्युनिकेशन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तीन पार्ट में, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं अधोमुखी, अपवर्ड जिसे अग्रमुखी और क्रॉस वाइज को क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन जो है वो कहा जाता है। जब कम्युनिकेशन क्या हो रहा है एक उच्च स्तर के व्यक्ति और एक निम्न स्तर के व्यक्ति के बीच में हो रहा है और जो इन्फॉर्मेशन देने वाला कौन है उच्च स्तर का व्यक्ति है तो उस कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है। अपवर्ड में क्या हो जाता है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, वहां क्या हो गया जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन हो तो किसके बीच में रहा है निम्न स्तर और उच्च स्तर के बीच में हो रहा है लेकिन इन्फॉर्मेशन देने वाला कौन है लोअर लेवल की अथॉरिटी है और इन्फॉर्मेशन लेने वाला कौन है हमारा हाई लेवल की अथॉरिटी है। और लास्ट क्या था हमारे पास क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन, क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन डायगोनली जिसमें क्या होता है कम्युनिकेशन होता है इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है दो समान पद के ऊपर जो व्यक्ति आसीन है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उस कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं हम क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन कहा जाता है। जब कम्युनिकेशन हायर अथॉरिटी और हायर अथॉरिटी दोनों ही जो है वो क्या है हायर अथॉरिटी है उनके बीच में हो रहा है तो उसे क्या कहा जाता है क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन। लोअर और लोअर अथॉरिटी के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उस कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं दैट इज आल्सो कमिंग द क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कौन कौन से हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।